और प्रिंस क्या कर रहे हो? इधर देखो, फिर मोबाइल चला रहे हो। लगभग 2 महीने 2.5 महीने बाद आज ब्लॉग बन रहा है और जो है प्रिंस देखो फिर से मोबाइल चलाते हुए पकड़ा गया है। क्यों प्रिंस, क्या कर रहे हो? अच्छा, एसी कंट्रोल कर रहे हो, बहुत सही, मोबाइल से है। चलो वेरी गुड, मोबाइल में ये सुविधा बढ़िया है। पहले रिमोट के लिए घर में लड़ाई हुआ करती थी, अब अपने अपने फोन से टीवी का चैनल बदलो, पर अब कोई टीवी नहीं देखता। जब चीजें आ जाती हैं तो चीजें इस्तेमाल नहीं होती है ना। सो रहे थे क्या? कॉलेज वगैरह चल रहा है? नहीं, कहने का मतलब अभी कितना बचा? गाइस, मैं कैसा लग रहा हूँ? है अभी थोड़ा हो गया एग्जाम। एग्जाम तुम्हारे आने वाले थे ना? आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। कब है? ये भी थोड़ा है, जून जुलाई हो। मतलब ये मान लो कि मई चल रहा है, 1-1.5 महीने और है, 1-1.5 महीने बाद तब तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मार्च चल रहा है ना? क्या चल रहा है? मई चल रहा है। मई चल रहा है भाई, मार्च नहीं चल रहा। या तो लास्ट जुलाई, लास्ट जून तक या फर्स्ट जुलाई तक ना, फर्स्ट वीक। सब्जेक्ट तो ज्यादा होंगे नहीं, कितने सब्जेक्ट हैं? 10-11 सब्जेक्ट। 10-11 सब्जेक्ट तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में हुआ। अच्छा, सेमेस्टर वाइज हो रहा है ना, ईयरली? काफी दिन से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है ना, पढ़ाई के चक्कर में काफी लॉस हो गया यार मेरा, समझ रहे? अब उसकी तैयारी कर रहे हैं ना। नहीं, अभी इसलिए नहीं बन पा रहा ना क्योंकि पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। आज मैंने एक ऑनलाइन परचेज किया है क्लास, तो कल से कंटिन्यू करूंगा, तो कल से शेड्यूल बना लूंगा पढ़ाई का, उसके बाद से फिर चलता रहेगा, फिर ब्लॉगिंग भी हो जाएगी क्योंकि पढ़ने वाला कोई 24 घंटा थोड़ी पढ़ेगा, है कि नहीं? 2-4 घंटे 6 घंटे, लेकिन यह है कि 4-6 घंटे तो नॉर्मल पढ़ाई हो ही जाएगी दिन भर में, है कि नहीं? यार सिलेक्शन चाहिए, गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाए, मज़ा आ जाए। जलवे हो जाए। अरे जलवा अलवा कुछ नहीं होता यार, बस आदमी जब जॉब करने लगता है तो जॉब में भी परेशान रहता है कि नहीं? जलवा अलवा भूल जाओ, जिंदगी जीवन है तो जलवा नहीं है। जलवा जानते हो कब्र में मिलता है जाके, जब आदमी लेटता है सुकून से ऊपर से मट्टी डाल दिया जाता है, फिर अंदर चाहे तुम जो कुछ करो। कुछ भी करो सब ठीक है। वैसे तो मैं सोने जा रहा था तो मैंने ये पहना हुआ है, ये मैं लेटने जा रहा था भाई, तो मैं ऐसे सोचा इसे पहन के लेट जाऊंगा, फिर मैंने बना ले यार ब्लॉग बना लिया जाए थोड़ा। मेरे पास एक लोगों का आज कॉल आया, कह रहे यार तुम ब्लॉग बनाना है तो डेली डेली बनाओ, नहीं तो ऐसा करो ब्लॉग ना बनाओ तो। हाँ भाई सब डिस्टर्ब, अभी देखो एग्जाम जब से आए तब से कहाँ पढ़े, मान लो कि अप्रैल से, मान लो अप्रैल मई 1-1.5 महीने हो गए, कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं। ब्लॉग पढ़ तो रहे, देख तो रहे होगे ना, एक दो मिल जाते होंगे ब्लॉग। देखते हैं, अब तो पता नहीं मिलता, अब तो कॉलेज जाते हैं, सो जाते हैं, आज भी सो गए 2-3 घंटे, पता नहीं सोते हो तो सो ही जाते लंबा। नहीं सो जा रहे तो इसका मतलब ठीक हो, जो नहीं सोता ना आदमी वो समझ लो टेंशन में है। नहीं अभी सो, अभी उतना प्रेशर नहीं है तो ठीक है यार, आराम कर लो, ऐसे भी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आदमी सो नहीं पाता है, आंख ही बंद करे करे लेटर रहता घंटों, फिर नींद आती। ऑनलाइन क्लास खरीदा था तो 2 बजे पेमेंट किया हूँ मैं उसको, और उसके बाद अभी जाके वो मुझको ऐड किया, समझ लो अब जाके मुझे क्लास शो हुई है, तो वही मैं सब देख रहा था अभी क्लासेस।
ऑनलाइन वाली, अब पूरा दिन चूतिया बना रहा था। मैंने कहा हाँ अभी तक ऐड नहीं किया, 15 मिनट रुक जाइए सर, 10 मिनट रुक जाइए सर, करते करते साला 9 बजा दिया। जब आदमी बिजी होता है ना, 10 मिनट के ब्लॉग बनाने के लिए ना काफी मेहनत पड़ जाती है। अच्छा फ्री रहो तो फिर बन जाता है ब्लॉग। फ्री है तो कुछ ना कुछ तो लग ही रहता है इंसान को, कुछ ना कुछ भी हो भाई, तो इंसान को कुछ कहीं ना कहीं लग ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ब्लॉग करने में लगे, हम ये करने में लगे। पीपीटी बना रहे हो क्या? हां ये बुक बनाने को, बुक है ये, बुक बना रहे हैं। अच्छा काहे की है? नहीं सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है? नहीं कुछ टॉपिक कुछ सब्जेक्ट होगा ना, एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज बहुत सी चीजें होती हैं उसके अंदर, तो वो सब चीजें एक्टिव एक्सरसाइज मूवमेंट पैसिव मूवमेंट एक्सरसाइज ही है। ये सारा खुद से लिखा है, खुद से बनाया है ये थोड़ा नहीं, यही सब लिख इंडेक्स ही तो बनाना है, कंटेंट तो लिख दिया गा आपके, लिखा है अभी और लिख देंगे थोड़ा बड़ा उठाते हैं। अरे यार काफी बना दिया तुम्हारे पास तो, सिस्टम है तो चलो सही है, जिसके पास बेचारे के पास सिस्टम नहीं होगा वो क्या करेगा, वो दोस्तों से बनवाता है इधर उधर से जुगाड़ करके। ग्रुप बनाए हैं अभी तो, ग्रुप वाइज है, किसी के पास तो मिलेगा 5-6 में। हाँ 5-5 का ग्रुप होगा कि 6 का है? 5 का, 5 का रिकॉर्डिंग है, 5-6 ऐसे ही है। हम लोगों का 5-5 का था, लोग ऐसे रहना कर देते हैं ऐसे। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मुझे जब तक लैपटॉप की जरूरत थी मतलब पूरे 4 साल 5-5 जब ग्रुप बना था तो मैंने नहीं खरीदा लैपटॉप। जैसे ही मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया मतलब बिल्कुल जरा सा बचा और तो फिर मैंने लास्ट में लैपटॉप खरीदा। अच्छा पहले तो सोच रहा था खरीदूं फिर किसी कारणवश नहीं खरीदा, फिर बीच में मेरा मन हुआ लाओ खरीदता हूँ, लेकिन फिर इसलिए नहीं खरीदा, मैंने कहा अगर अब खरीदा तो साला मेरा लैपटॉप सरकारी लैपटॉप हो जाएगा, उसमें सब लोग काम करेंगे, 4-5 लोगों का ग्रुप था। अच्छा ऐसा काम होता है कि घर ले जाना पड़ जाए लैपटॉप, पता लगा काम कर रहे हैं बेल लग गई या किसी कारणवश कि घर से ये काम कर लाना, तो लैपटॉप लेके वो घर लेके जा रहा है। मैंने कहा अब नहीं खरीदूंगा मैं, जब मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया तब मैंने लास्ट में खरीदा लैपटॉप। अरे यार ऐसी चीज मतलब देने में थोड़ा सा खल जाता है, लैपटॉप है पर्सनल चीज, जब कोई कहते फोन दे दो भैया हमको 2 दिन के लिए अपना पर्सनल वाला, कोई नहीं देगा भाई, वही तो। अब जैसे वही चीज देखो उसमें लैपटॉप में भी लागू होती है जाके, लैपटॉप कोई मांग ले भैया हमको 1 हफ्ते के लिए दे दो, ये सब चीजें तो वैसे भी नहीं देनी चाहिए, मांगनी नहीं चाहिए पहली चीज। हाँ मांगनी नहीं चाहिए सबसे पहले, लेकिन अब जैसे कॉलेज का काम है, अब पता लगा मैं उस समय अगर खरीद लेता तो जैसे आप काम कर रहे हो मान लो पीपीटी बना रहे हो, 5 की है ना, अकेले मेरी तो है नहीं, तो आप ये कह देते कि ऐसा करो अमित तुम अपना लैपटॉप दे दो हम घर से ये काम कर लाएंगे, बात आप समझ रहे हो, तो वहाँ आप मना भी ना कर पाते और आपको देना भी पड़ता है। इसके लिए तुम्हारे लैपटॉप उठाना चाहिए, इसके लिए ये हो जाएगा ना कि तुम्हारे लैपटॉप उठाना चाहिए। मतलब मैंने खैर नहीं खरीदा, मैंने बाद में खरीदा लास्ट में जब थोड़ा बहुत काम बचा था। पढ़ने के लिए इतना ज्यादा है मेरे पास, मैंने अभी देखा है, अभी मैं दिखाऊंगा, मतलब एक सब्जेक्ट में कम से कम 150-150 वीडियो, मतलब कोर्स पीछे हो गया, मतलब 1 मई से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं पुराना पढ़ूंगा तो आगे का छूट जाएगा, आगे पढ़ूंगा तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा पूरा सब्जेक्ट। हाँ मतलब दोनों, बाकी जब वो लाइव क्लास पढ़ाए तो लाइव क्लास पढ़ो तब जाके कवर होगा, एक साथ टाइम ज्यादा देना, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अभी कर लोगे तो बात ले ही जाएगा, बाद में मेरे वीजा वगैरह पहुंच। अब तो सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना है यार दोबारा, आज मैं सोचा यार ब्लॉग कंटिन्यू करो, थोड़ा बहुत माइंड भी फ्रेश रहेगा भाई। तो तुम्हें पता 1K से ऊपर हो गए, कितने ऊपर हो गए? अरे थोड़े बहुत मतलब 2-4-10 मतलब 1K क्रॉस हो गया कहने का मतलब। हाँ वो तो मैंने देखा था, छोटी बात कहाँ से हो गए जैसे हुए हो। तो इसीलिए सोच रहे यार कि बहुत बना के डालते रहे। चलो फिर प्रिंस मैं चल रहा हूँ, तुम काम करो ठीक है, सबको बाय बाय बोल दो। हाँ थोड़ा बहुत निकला होगा, आधे से ज्यादा तो कट जाएगा कंटेंट। मोबाइल से बना रहे हो क्या?
कॉपी पेस्ट करते हो ना तुम, देख रहे हैं। अब तुम्हारी खिंचाई करूं तो निकले कंटेंट नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं निकलता। कॉपी पेस्ट वाला सही रहता, उधर से देखो इधर पेस्ट करो। फिलहाल गाइस मैं अभी बता दूं, अभी रात के कितने बज रहे हैं, 11:30। हाँ बताओ क्या। किस तरफ मुड़ा है पैर, किस तरफ मुड़ा है पैर, बताओ, समझ आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। कैसे, किस तरफ मुड़ा है बताओ? ये वाला इधर को मुड़ा है, ये सामने को मुड़ा है। यही पैर है, मान लो इस तरफ मुड़ा है कि ऐसे बाहर। देखो देखो ये पैर, देखो मेरी बात समझो, ये पैर एक तो ऐसे अंदर को मुड़ा है, ये वाला ऐसे मुड़ा है, ये समझ लो पैर नहीं है, एक ही पैर है, पहली चीज तो ये समझ लो। हाँ एक ही पैर है, मैं समझ गया। नहीं अच्छा ये एक ही पैर है, नहीं समझ पाओगे वो, नहीं ये एक ही पैर है, एक ही पैर हो गए, अलग अलग पैर क्यों दिखाएगा भाई। भाई भाई तीन पैर नहीं है, ये अलग अलग पोजीशन में मुड़े हुए पैर दिखा रहा है, कि अगर ऐसे मुड़ेगा तो इसको क्या एक बोलेंगे। पैर, एक पैर है, मतलब एक साइड का पैर है, अलग अलग पैर का वो ना समझना, एक साइड के पैर की बात कर रहा है वो, राइट या तीनों राइट के हैं तो तीनों लेफ्ट के हैं। नहीं नहीं आप मेरी बात समझिए, मैं क्या करूँ, ये तीनों एक ही तरफ का पैर है, लेकिन एक ही तरफ के पैर के कई पोजीशन हो सकते हैं, ये वही चीज कर रहा है। ये सपोज करो ये मीडियल साइड रोटेटेड है। हाँ ये तो मैं समझ में आ रहा है, मीडियल हाँ, हाँ। कि लेटरल बोलो, किस साइड रोटेटेड है, मुझे इतना समझ में आ गया कि सेम पैर है रोटेटेड है, वो तो रोटेटेड है डिफरेंट डिफरेंट उसमें, वो तो ऑब्वियस ही बात है। अब लेटरल है कि कहाँ है वो मैं देख रहा हूँ, ऐसे वर्ड आ गया तो मैं देखना चाह रहा हूँ क्या है क्या नहीं। अब इसमें लोगों को समझ आया थोड़ा क्या है, अंदर की तरफ है, इसमें समझ में आ रहा है, अच्छे से दिया है। अच्छा समझने के पर्पज से वो बहुत बेकार था इमेज पहले वाला, वही तो बोल रहे हैं ना। तभी तो इसमें प्रॉपर दिख रहा है, मतलब ये समझ लो कि ये जैसे हाथ को मान लो पैर है तो ये अंदर की तरफ है दोनों ऐसे, जैसे तुम्हारा ये वाला एक हाथ अंदर एक ऐसे करके, ये देखिए गाइस।